नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज 18 में और मैं हूँ आपके साथ अमनदीप। आइए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बैतूल में पशु क्रूरता पर हुई अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज। डॉग को बेरहमी से पीटने का वीडियो हुआ था वायरल। पुलिस जांच में जुटी, मानवता का परिचय दिया युवक ने। कई पशुओं पर होते हैं अत्याचार। आप सभी से स्टेट न्यूज 18 की अपील है कि आपके आसपास यदि ऐसी घटना होती है तो आप भी पशु क्रूरता अधिनियम तहत FIR दर्ज करा सकते हैं और इंसानियत का परिचय दे सकते हैं। वो बेसिकली क्या है कि एक वीडियो वायरल हुआ था और उस पर एक जो पशुओं को संरक्षण संबंधी NGO है उसके किसी मेंबर के पास वो वीडियो पहुंचा था। तो उसके द्वारा वहां पर जाकर के देखा गया तो ये देखा गया कि बड़ी बेरहमी से कुत्ते को मारा गया है। तो ऐसी स्थितियों में उस NGO के द्वारा कुत्ते को अपने पजेशन में लेकर के और कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है जिसमें FIR दर्ज है और ट्रीटमेंट के लिए उसको भोपाल ले गए हैं डॉग केयर सेंटर पे। सर, अभी आरोपी कोई मिला है? कोई संदेही आरोपी है ये माना जा रहा है कि बैतूल शहर का एक स्कूल है जिसके गार्ड के द्वारा ये हरकत की गई है। एक आदमी एक कुत्ते को बहुत बेरहमी से मारता हुआ दिख रहा है और वीडियो में दिखाई दे रहा था कि कुत्ता बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका है। यह वीडियो ऊपर दिल्ली तक पहुंच गया। दिल्ली और भोपाल से मेरे पास फोन आया कि इस संदर्भ में मैं एक्शन लूं। उसके बाद मैंने इसके बारे में पता करा तो पता चला कि यह वीडियो बैतूल के सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल के सामने का था। उसके बाद भोपाल से पशु प्रेमी आए और उस कुत्ते को ले जाके स्टेट वेटनरी हॉस्पिटल भोपाल के आसरा में भर्ती करा दिया, जहां पर पता चला कि कुत्ते के दोनों सामने के पैर पूरी तरीके से टूट चुके हैं। उसके बाद मैं बैतूल पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां पर मैंने उचित धाराओं के अंतर्गत और पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, जिस पर अब पुलिस कार्रवाई करेगी। बैतूल से ब्यूरो रिपोर्ट।